हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर न्यू डायरेक्शन। साथियों, वैकेंसी आ रही है नेवल शिप रिपेयर यार्ड भर्ती 2019 में। 172 अप्रेंटिस पदों पर वैकेंसी आई है। यहां पर आपका जो कोई भी फीस नहीं लगने वाली, 10th पास हैं और आपके पास डिप्लोमा है तो यहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो 23 जुलाई रखी गई है। 23 जुलाई से पहले पहले यहाँ पर आपको आवेदन कम्प्लीट कर लेना है। तो आज के इस वीडियो में इस वैकेंसी से संबंधित सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो बने रहें वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। वैकेंसी आ रही है अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल नवल शिप रिपेयर यार्ड नवल बेस कोची से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन के लिए ये आपको दिया गया है। डेजिग्नेटेड ट्रेड्स के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई है। 172 वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 172 वैकेंसीज़ हैं, और यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ट्रेड है उस ट्रेड के अनुसार ये वैकेंसी को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रीशियन, उनके लिए 13 वैकेंसीज़ हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 17, और मैकेनिक्स के लिए यहाँ पर 9 सीट दिए हैं। टर्नर के लिए 7 सीट दी गई हैं। वेल्डर के लिए यहाँ पर 10 सीट हैं, और यहाँ पर पेंटर के लिए 8 सीट दी गई हैं। इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए यहाँ पर 5 सीट दी गई हैं। मैकेनिक मोटर वर्चुअल के लिए यहाँ पर 2 सीट देखिए दी गई हैं। अब मैकेनिक जो रेफ्रिजरेटर के लिए होता है, रेफ्रिजरेटर के लिए, एयर कंडीशनर के लिए, इनके लिए आपको 8 पोस्ट दी गई है। फिटर के लिए यहाँ पर 18 पोस्ट दी गई है। कंप्यूटर ऑपरेशन जो होते हैं और उनके लिए आपको दिया गया है 13 पोस्ट। अब यहाँ पर जो कारपेंटर होते हैं उनको 12 पोस्ट दी गई है। अगर आप सीट मेटल वर्कर हैं तो यहाँ पर आपको 8 पोस्ट है। डीजल मैकेनिक को 16, टेलर को 4, कटिंग एंड स्विंग ऑपरेटर के लिए 4, मैकेनिक एयरक्राफ्ट में आपको 6, और इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट में 6, और मैकेनिक रेडियो एंड रडार एयरक्राफ्ट के लिए 6 वैकेंसी दी गई हैं। कुल मिलाकर 172 वैकेंसीज हैं, कुल 172 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर एससी, एसटी और ओबीसी को नियमानुसार यहाँ पर आपको छूट भी दी जाएगी, यानी कि आगे आपको दिया जाएगा मौका यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर जो फिजिकल हैंडीकैप हैं साथियों, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं तो आपको यहाँ पर 3% की छूट अलग से यहाँ पर आपको दी जाएगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको हाई स्कूल पास यहाँ पर अनिवार्य रखा गया है। 50% मार्क्स होने ही चाहिए कम से कम। टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए। साथ में आईटीआई एग्जामिनेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। 65% पास ट्रेड का, ठीक है। मान लीजिए फिटर का करते हैं, फिटर ट्रेड का होना चाहिए। 65% पास के साथ यहाँ पर आपको मांगा गया है आईटीआई डिप्लोमा, ओके। ये आपको क्वालिफिकेशन समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर उम्र सीमा की बात करें तो आपकी लिमिट, एज लिमिट जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष अगर आपकी उम्र सीमा है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जो उम्र है वो जोड़ी जाएगी 1 अक्टूबर 2019 से, ओके। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का यहाँ पर छूट मिलेगी उम्र सीमा में, ठीक। यहाँ पर जो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, यानी कि फिजिकल कुछ यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखा गया है, उसके लिए यहाँ पर हाइट आपकी 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर, और जो वेट है वो 45 किलोग्राम होना चाहिए। चेस्ट कितना भी हो आपका, लेकिन अगर उसको आप फुलाते हैं तो फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए, ओके। आई जो साइड है वो 6/6 होना चाहिए, 2/6/9 इस तरह से आपका होना चाहिए आई का, ठीक है। यानी कि आंखों का ये रोशनी का आपका रहना चाहिए, तब यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे, ओके। उसके बाद प्रीवियस ट्रेनिंग आपकी जो है वो ऑलरेडी अंडरग्राउंड होनी चाहिए, पूरी तरह से ओके होनी चाहिए अप्रेंटिसशिप की, ओके। यहाँ पर जो भी है, कोई भी जो आपको यहाँ पर मंथली स्पेंड है वो अभी यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया है, दिया जाएगा लेकिन कितना दिया जाएगा ये यहाँ पर नहीं बताया है, ओके। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद आपको कॉल लेटर जो आएगा वो आएगा एक ओरल एग्ज़ाम के बाद। रिटन एंड ओरल एग्ज़ाम के बाद आपको कॉल लेटर फाइनली भेजा जाएगा यहाँ पर सिलेक्शन फाइनल के लिए, ओके। यहाँ पर जो आपका ट्रेनिंग होगी वो 15 अक्टूबर 2019 से शुरू हो जाएगी, ठीक है। 15 अक्टूबर 2019 से यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग
शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ट्रेवल के लिए कोई भी आपको जो चार्जेस लगते हैं उसके लिए कोई भी चार्ज आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई खर्चा यहाँ पर आपको नहीं दिया जाने वाला है। साथियों, ये जो आवेदन है वो 23 जुलाई 2019 यानी कि 23/7 से पहले पहले 23 जुलाई से पहले आपको आवेदन कंप्लीट करना है। आवेदन साथियों यहाँ पर आपको ऑफलाइन करना है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपको आवेदन ऑफलाइन कंप्लीट करना है, यानी कि आपको कूरियर रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आवेदन भेजना है। आवेदन आपको यहाँ पर देखिए भेजना है, ये एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। जनरल पोस्ट ओनली, ठीक है, यानी कि नॉर्मल पोस्ट जो होती है, जो होती है 5-10 रुपए लगते हैं, वो नॉर्मल पोस्ट से आपको यहाँ पर भेजना है, उससे ज़्यादा सही रहेगा। भेजना कहाँ पर है आपको, ये देखिए यहाँ पर ऑफिस इन चेंज अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल नवल शिप रिपेयर यार्ड नवल बेस कोची 68204, इस एड्रेस पर आपको 23 जुलाई 2019 से पहले पहले भेज देना है। इसमें आपको क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या भेजना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको भेजनी है, 6 अटेस्टेड कॉपीज आपका हाई स्कूल भेजना है, ITI मार्कशीट की अटेस्टेड फोटो यानी सेल्फ अटेस्टेड फोटोज कॉपी आप भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका अगर कम्युनिटी का सर्टिफिकेट है तो वो आप भेज सकते हैं, कोई फिजिकल डिसबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो वो आप भेज सकते हैं, सन एंड डॉटर आर्म फोर्स में अगर कोई है, एक सर्विस मैन है आपके फैमिली मेम्बर्स में तो उसका सर्टिफिकेट आप भेज सकते हैं, ठीक है। डिफेंस सिविल डॉक्यार्ड में कोई है तो उनका सर्टिफिकेट भेज सकते हैं, कॉपी ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट किसी भी गजिस्टर्ड ऑफिसर से बनवा के वो आपको यहाँ पर भेजना है, और अटेस्टेड कॉपी आपको भेजनी है पैन कार्ड या आधार की, ठीक। इतनी चीज़ें आपको ये सारी सेल्फ अटेस्टेड भेजनी रहेंगी, ओके। और यहाँ पर इसके साथ में आपको ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म का जो बेस है इसको आप देख लीजिए, जो इस तरह का फॉर्म है इसको आपको प्रिंट ले लेना है, और यहाँ पर फोटो चिपका कर इसको पूरा फिल करने के बाद ये आपको सबसे ऊपर इसको लगाना, और इसके बाद इसके जो नीचे ये सारे डॉक्यूमेंट्स सीरियल वाइज लगा रहे हैं, जैसे ये लिखे हुए हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये सारे डॉक्यूमेंट सीरियल वाइज लगा देने हैं। उसके बाद इसको आपको साधारण डाक से जिस एड्रेस पर मैंने अभी बताया, इस एड्रेस पर आपको इसको सेंड कर देना है 23 जुलाई 2019 से पहले। तो इस वैकेंसी की सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है लगभग आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर कोई डाउट कोई शंका आपको है तो तुरंत वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने साथियों के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।